मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फोबिया। फोबिया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं व्हाट इज़ द एंजाइटी। एंजाइटी मतलब घबराहट। क्या होती है एंजाइटी? इज ए वैग्यू फीलिंग ऑफ ड्रेड और एप्रीहेंशन। डरना और घबराहट फील होना, इट इज ए रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। ये रेस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के कारण। एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है अगर कोई किसी को मारने के लिए दौड़े फॉर एग्जांपल, या इंटरनल स्टिमुलाई होता है अंदर से मतलब डर लगना, जैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उस टाइम अपने को अंदर से डर लगता है कि अपन फेल होंगे या पास होंगे। तो ये इंटरनल स्टिमुलाई हो सकता है। दैट कैन हैव बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल सिम्टम्स। सो जब ये एंजाइटी डेवलप होती है तो इसके फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स अपीयर होते हैं। एंजाइटी इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम फियर विच इज फीलिंग अफ्रेड और थ्रेटन्ड बाई ए clearly identifiable external stimulus that represent danger to the person. Next, definition of the phobia. Phobia is an unreasonable fear of specific object, activity or situation. फोबिया अनरीजनेबल होता है, जिसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता, फिर भी पर्सन को डर लगा रहता है, फियर लगा रहता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से और एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल, सिचुएशन हो सकती है किसी बड़े प्रोग्राम में जाना, सोशल गैदरिंग के अंदर जाना। ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसको डर लग सकता है। देन अदर डेफिनेशन ऑफ द फोबिया। फोबिया इज defined as persistent avoidance of behavior secondary to irrational fear of a specific object, activity or situation. इसके अंदर भी यही बताया है irrational fear. irrational fear का अर्थ होता है अवांछनीय डर। अवांछनीय डर जिसके पीछे किसी तरह का कोई रीजन नहीं होता है, बट फिर भी पर्सन को डर लगा रहता है। इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक एक्टिविटी और स्पेसिफिक सिचुएशन के कारण पर्सन के अंदर डर या फियर है वो डेवलप रहता है। इंसिडेंस। एन एस्टिमेटेड 19 मिलियन अमेरिकन्स हैव ए फोबिया दैट कॉज डिफिकल्टी इन सम एरिया ऑफ देयर लाइफ। सोशल फोबिया इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया अकर्स इन 2.4 to 9.2% of children and adolescent with usual onset between 5 and 13 year of age. सबसे कॉमन सोशल फोबिया है, देन स्पेसिफिक फोबिया। फिर अपन बात करते हैं कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कैन कॉज फोबिया। चिल्ड्रन हु हैव ए क्लोज रिलेटिव विद एंजाइटी डिसऑर्डर आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग फोबियाज। पीपल विद ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन और हेल्थ कंसर्न ऑफन हैव फोबियाज। देयर ए हाई इंसिडेंस ऑफ पीपल डेवलपिंग फोबिया आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, सब्सटांस अब्यूज एंड डिप्रेशन। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फोबिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक फोबिया, देन सोशल फोबिया, देन एगोरोफोबिया। फर्स्ट स्पेसिफिक फोबिया। इट इज एन इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। स्पेसिफिक फोबिया आर कॉमन इन चाइल्डहुड बाय अर्ली टीनेज। मोस्ट ऑफ दीज फियर्स आर लॉस्ट बट ए फ्यू परसिस्ट टिल अडल्ट लाइफ। ये जो स्पेसिफिक फोबिया है ऑलमोस्ट चिल्ड्रन या चाइल्डहुड के अंदर पाया जाता है और टीन एज तक मोस्ट दिस फियर लॉस्ट। टीन एज तक ये जो फियर है चला जाता है, बट
कुछ की लाइफ के अंदर, एडल्ट लाइफ के अंदर भी ये परसिस्टेंट बना रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सम स्पेसिफिक फोबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगना, हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ साइट ऑफ ब्लड, ब्लड को देखते हुए उसको डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद कमरे में या बंद जगह में डर लगना। जिस तरह इन पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया है, एक जो लेडी है जो हाइट पर खड़ी है और डर रही है, ऐसी डरने की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, बट फिर भी इनको डर लगा हुआ है। देन एक पर्सन है जो ब्लड को देख के डर रहा है, और क्लोज स्पेस के अंदर एक बच्चा है जो फियर फील कर रहा है। देन गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है जो एक पर्सन है उसको शादी से मतलब डर लगा रहता है। इंसेक्टोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जैसा कि पिक्चर के अंदर मेंशन हो रहा है। एड्स फोबिया, फियर ऑफ एड्स। देन जू फोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से काफ़ी डरते हैं वो लोग। माइक्रोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स। देन ब्रोटनोफोबिया, फियर ऑफ थंडर। देन एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया, लॉस ऑफ कंट्रोल, फेंटिंग, अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग फियर्ड स्टिमुलस, एंजाइटी व्हेन टॉकिंग अबाउट स्टिमुलस, वरी विद एंटीसिपेटरी एंजाइटी, इम्पेयर्ड वर्क फंक्शन। देन सोशल फोबिया, इट इज एन इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर वेंटिलेशन, स्वेटिंग, कोल्ड एंड क्लामी हैंड्स, ब्लशिंग, पाल्पिटेशन एंड कन्फ्यूजन। दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, यूरिनरी अर्जेंसी, मसल टेंशन, एंटीसिपेटरी एंजाइटी एंड फियर। देन फर्स्ट एंटीसिपेटरी एंजाइटी अकर्स वेल इन एडवांस ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन सच एज पब्लिक स्पीच, सोशल इवेंट। जो पब्लिक के अंदर स्पीच होती है, सोशल कोई इवेंट होता है, उसके अंदर एंटीसिपेटरी एंजाइटी डेवलप हो जाती है पहले ही। द एडेड एंजाइटी रिजल्ट इन एक्चुअल और परसीव्ड फेलियर इन द सिचुएशन लीडिंग टू एम्बरेसमेंट एंड फर्दर एंजाइटी। एगेरोफोबिया, इट इज कैरेक्टराइज बाई एन इरेशनल फियर ऑफ बींग इन प्लेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ होम, इन क्राउड और इन सिचुएशन दैट पेशेंट कांट लीव इजीली। देन एज एग्रोफोबिया इंक्रीज इन सीवियरिटी, देर इज ए ग्रेजुअल रेस्ट्रिक्शन इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, सीवियर केसेज पर्सन बिकम सेल्फ इम्प्रोज्ड एट होम। देन साइन एंड सिम्टम्स आर ओवर राइडिंग फियर ऑफ ओपन और पब्लिक स्पेस, अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक पैलेसेज, फियर, ड्राई माउथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड स्पीच और इनएबिलिटी टू स्पीक। देन डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन, देन डायग्नोसिस कन्फर्म्ड इफ ICD-10 क्राइटेरिया मीट। देन ट्रीटमेंट, फार्मेकोथेरेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोडाइजेपिन्स लाइक एल्प्राजोलाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, डायाजीपाम, सो दीज आर द बेंजोडाइजेपिन क्लास ड्रग्स, दीज आर द सेडेटिव ड्रग्स इंड्यूसिंग द सेडेशन इन द पेशेंट और रिलीविंग द एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, इमिप्रामिन एंड सर्टालिन, दीज आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड साइकोथेरेपी आर नीडेड फॉर द फोबिया। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द फोबिया, फोकस ऑन फिजिकल सिम्टम्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एंड अवॉइडेंस बिहेवियर एसोसिएटेड विद फोबिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, द नर्स शुड मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट प्रोसेस
अफेक्ट कम्युनिकेशन, साइकोमोटर एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स. देन नर्स वुड यूज डायरेक्टिव क्वेश्चन टू इलेक्ट सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द पेशेंट इज करंटली फीलिंग एंड वाट हैपन्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. देन आस्क द पेशेंट अबाउट देयर सोमेटिक सिम्टम्स सच एज फटीग, मसल एच, ईटिंग पैटर्न, बोवल हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न. असेस द कम्युनिकेशन पैटर्न. असेस द सोशल सपोर्ट सिस्टम. देन समरी एंड कंक्लूजन. समरी एंड कंक्लूजन के अंदर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने टॉपिक शुरू किया फोबिया से. और फोबिया क्या होता है? फोबिया एक इरेशनेबल अनरीजनेबल फियर है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कारण पर्सन के अंदर फियर है, डेवलप हो जाता है. सो इसके अपन ने टाइप्स बढ़े, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर अपन ने इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, देन अपन ने इसका मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब पढ़ा. अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू फोबिया उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन, उसका आंसर आपको तुरंत दिया जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच.